सिलाई मशीन है, उसको यूज करके एक स्कूटर बनाया है। ओके हाँ, ये नेपाली श्री यंत्र बोलते हैं जिसको काफी लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करते हैं। ये मोस्ट एंटिक कंसोल है। ओके ये मेटल का है, वुडन में आपके जैसे मंदिर हो गया, वही कैमल बोन के अगेंस्ट टेबल पीस है। इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए कंसोल यूज कर सकते हैं, एज ए रिसेप्शन टेबल यूज कर सकते हैं, एज ए बार यूज कर सकते हैं। ओके ये एकदम यूनिक। और बोटल रैक्स है, नेक्स्ट बार सेक्शन है ये। हाँ ये पूरा बार सेक्शन है, ये नीचे बोटल रैक है। ठीक है, ये ग्लासेस या बोटल और सर्व करने के लिए यहाँ पे ग्लास रख सकते हैं, यहाँ पे वाइन ग्लास रख सकते हैं। इसके अलावा एड ऑन कुछ भी है वो ऊपर रख सकते हैं। इसको हाथ से कांता सब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, हाथ से एम्ब्रॉयडरी है। और ये भी सारा इंडिया मेड प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे सारा। ठीक है, ये राजस्थान के रूरल एरियाज में बनता है। ओके और पूरा रस्टी अर्दन कलर जो बोलते हैं, हाँ जी, सारा कुछ कॉन्सेप्ट अर्दन कलर पे रहता है। ये बहुत बढ़िया यूनिक प्रोडक्ट है जो जिसको मेडिटेशन बाउल बोलते हैं, बुद्धा बाउल। ये मेडिटेशन बाउल बॉयस इसका सराउंड हो रहा है ना, घूम रहा है चारों तरफ। ये मेडिटेशन के लिए यूज होता है, सब साइजेस में अवेलेबल है। यस यू कैन ना आराम से ऊपर से इसको यू कैन सेट पकड़ के भी ले जा सकते हैं इजीली, इस पे बैठिए और कंफर्टेबल रहेगा ये। यस बुद्धा है, अलग-अलग मूर्ति है, गणेश जी हैं, वो एंटिक अपने नारायण हैं जी, नारायण भगवान। ये बड़ा पॉट है जो फार्म हाउस पे या बड़े बंगलोज में एज ए डेको यूज होता है। ये मेटल ही है, मिक्स मेटल, तांबा और पीतल का मिक्स है। मिक्स मेटल का पॉट काफी बड़ा। हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब। हेमंत जोन ब्लॉग देखने वाले, सो आज आपके लिए अपना कुछ हटके वीडियो, कुछ स्पेशल वीडियो जो कि यूट्यूब पे जो है बहुत ही कम आपको जो है इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही न्यूली यानी कि ओपन स्टोर है आपका सुकुष्टी डिफाइंग लाइफ स्टाइल जो है इनका कॉन्सेप्ट। सुकुष्टी के नाम से इनका प्रॉपर स्टोर रहेगा यहाँ पे, और अपना विंटेज जो आर्ट इफेक्ट्स होते हैं, अपना होम डिकोर फर्निशिंग टोटली आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलता है। यहाँ के जो ऑनर मिस्टर प्रवीण जी मेरे साथ में हैं, कैसे सर आप? बिल्कुल जोरदार, नमस्ते जी। प्रवीण जी, आपने जो ये कॉन्सेप्ट एक रेडी किया है, क्रिएट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर बताइए इसके पीछे सुपुष्टि जैसे कि स्टोर का नेम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सुपुष्टि मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं सुपुष्टि का मतलब गुड, सुपुष्टि संस्कृत वर्ड है, गुड प्रॉस्पेरिटी। ओके अच्छी संपत्ति जी, उसको उसको ये डिफाइन करता है नाम। ओके और उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो प्रोडक्ट रेंज का सिलेक्शन किया है, जो प्रोडक्ट पिक किए हैं, पिक एंड चूज जो किया है, हाँ जी, वो उसके अकॉर्डिंग है। आप एक एक प्रोडक्ट देखेंगे तो उससे आपको प्रॉस्पेरिटी झलकेगी। ठीक है, तो मेन कुछ आप कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहें कि किस किस तरह के यहाँ पे जो है अपना आर्ट वर्क मिलते हैं। बेसिकली ये वैसे हमारा फैमिली बिजनेस है, बट सूरत में पिछले 20 साल से सूरत में हूँ, हमारा और भी काफ़ी सारा काम है। और ये बर्निंग डिज़ायर जैसा था मेरे लिए कि भाई मैं इस तरीके का एक स्टोर सूरत के लिए, जो सूरत में इस तरीके का कोई स्टोर नहीं है, इवन सूरत नहीं, मेरे ख्याल से गुजरात में भी इस तरीके का कोई स्टोर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक मल्टी कैटेगरी जिसमें आपको वुड मिलेगा, जिसमें आपको स्टोन मिलेगा, जिसमें फ्रेग्रेंसेस मिलेंगी, जिसमें आपको फर्नीचर मिलेगा, फर्निशिंग मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा और समथिंग यूनिक। ओके सिर्फ कहने के लिए नहीं, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने कभी देखी नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक बात है, और अपना बहुत सारा जो है नया नया जो है क्रिएटिव जो अपना कलेक्शन होता है, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल क्रिएटिव माइंड से जो कुछ यानी कि अपना लिमिटेड जो एडिशन जो होते हैं मेरे हिसाब से वही मैंने को आइटम्स यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक चीज़ देखी तो वैसा 10 मिलेगा या वही चीज़ आपको रिपीट मिलेगी। ये प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट मोर देन 90% प्रोडक्ट जो हैं वो हैंडक्राफ्टेड है। और मोर देन 90% मेड इन इंडिया है जी, यहाँ के लोकल कारीगरों से के हाथ से बने हुए हैं। ठीक है, सब चीज मेक इन इंडिया मैक्सिमम है यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने भी यहाँ पर अभी पहले देखी हैं जो इंडियन ट्रेडिशनल के हिसाब से जो डिज़ाइन की गई हैं,
और जो अपने ट्रेडिशनल भारत जो ट्रेडिशनल संस्कृति जो है भारत की उसको जो है अपना अपना दिखाती हैं, उसको दर्शाती हैं। तो वैराइटीज़ काफ़ी सारी होंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे अगर कोई परचेज करना चाहे, कुछ पसंद आता है उसको, तो वो कैसे, यानी कि यहाँ पर आना ही पड़ेगा उसको? ये टच एंड फील वाला प्रोडक्ट है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते फ़ोटो से कि भाई ये जो स्टेच्यू है या ये मूर्ति है या कुछ भी चीज़ है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, आप आएंगे, देखेंगे, टच एंड फील करेंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे, तो इट्स मोस्ट अफोर्डेबल ओके विद मोस्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ज़्यादा बातें ना करते आपको कुछ मैं प्रोडक्ट्स अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, कुछ आपको दिखाता हूँ और उनके बारे में आपको नॉलेज देता हूँ। और आप जब भी सूरत आते हैं एक बार यहाँ विजिट ज़रूर कर कीजिए। यहाँ पे आके जो कलेक्शन है, जो लवर हैंडीक्राफ्ट के जो अपने अपने होम को, अपने जो घर को अपना डेकोरेट करना चाहते हैं, अपने अपना डाइनिंग, अपना जो अपना क्राफ्ट एरिया कुछ और बेटर करना चाहते हैं, कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जो आइए और यहाँ पर जुड़िए। तो वन बाय वन आपको कुछ वैराइटीज़ मैं दिखाता हूँ, प्रवीण जी आपको वैराइटीज़ दिखाना स्टार्ट करेंगे। आइए हम कुछ डिज़ाइन आपको दिखाते हैं, चलिए। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन जो रहेगा यहाँ का उससे हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट तक हम स्टेप जाएंगे। प्रवीण जी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ अपने प्रोडक्ट्स। जी सर, कुछ बताइए प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कॉर्नर से शुरू करते हैं, ये वुडन के कैंडल स्टैंड्स हैं जी, जो आपके कॉर्नर को बिल्कुल लाइटन करेंगे। ओके, ये सारे मूर्तियां हैं। ओके, स्टैचूज? यस, दिस ऑल स्टैचूज आर मेड बाय पॉली रेजिन। ओके, सम पार्ट ऑफ मेटल पाउडर। ओके, एक एक प्रोडक्ट अगर एक भी एक एक स्टैचू देखेंगे तो आप मतलब एक एक चीज खिल के आती है। ये टोटली अपना घर को सजाने के लिए, घर मंदिर आपके जहाँ पे भी रखना है, मैक्सिमम इसमें भगवान की मूर्तियां हैं। ओके, और उसके अलावा जैसे हॉर्स है जी, लॉयन फेस है जी, इस तरीके का इसका पूरा कलेक्शन है। कम से कम इसमें 100 के करीब वैरायटी है, 100 के अराउंड इसमें वैरायटीज हैं। और ये टोटली डिजाइंस एक बार आप जब विजिट करते हैं यहाँ सूरत में, अगर अपना क्लोथ परचेज करने आते हैं यहाँ स्टोर विजिट जरूर कीजिएगा। और एक्सक्लूसिव आपको अमेज़न पे मैं ये वीडियो जो है आज दिखा रहा हूँ। और ये सर अपना स्टैचूज के डिजाइंस का पूरा सेटअप लास्ट में अपना दिखाया है। सेकंड, इसके बाद हम क्या दिखाने वाले हैं? ऐसे आपको कुछ और स्टैचूज में अपना इंडियन ट्रेडिशनल के हिसाब से जो हमारे भगवान जो होते हैं उनकी जो अपना स्टैचूज मूर्तियाँ जो होती हैं ट्रेडिशन को जो दिखाती हैं वो भी स्टैचूज आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये सारा टोटली जो है अपना डिजाइनिंग और अपना कॉन्सेप्ट जो होता है क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और नेक्स्ट, इसके बाद हम कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहें, बताना चाहें? उसके बाद होम फर्निशिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली पिक किए गए हैं, एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं सारे। ठीक है, कवर्स अगर आप देख सकते हैं, कुशन कवर्स, बेड कवर्स, क्विल्ट, दोहर, ये सब कुछ एकदम एक्सक्लूसिव वेराइटी में है। क्वालिटी हैंडमेड ब्लॉक प्रिंट वेजिटेबल डाई। ओके, हैंडमेड ब्लॉक प्रिंट वेजिटेबल डाई इसको जो है यूज करके बनाया जाता है। और ये अपना ब्लैंकेट क्या बोलते हैं, केमिकल्स? ओके, इसमें केमिकल्स यूज नहीं होते हैं? नो केमिकल्स। और ये आई थिंक इको फ्रेंडली बोल सकते हैं, 100% इको फ्रेंडली, प्योर कॉटन विद वेजिटेबल डाई। और बॉडी एक्सक्लूसिव, और प्रिंट्स जो भी रहेंगे वो एक्सक्लूसिव रहेंगे, ये प्रिंट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकते। ठीक है सर, और यानी कि बिल्कुल यूनिक रहेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज हैंड पिक्ड। ओके, और ऐसी काफी सारे इसमें अलग अलग प्रोडक्ट हैं, प्रिंट्स होंगे काफी सारे, प्रिंट में क्विल्ट वगैरह हैं। ओके, हैंडमेड कांता वर्क क्विल्ट, हैंडमेड कांता वर्क क्विल्ट। ओके, और ये भी जो है बिल्कुल इनके एक्सक्लूसिव डिजाइंस रहेंगे जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और इस टाइप से ये कुछ डिजाइंस होते हैं, कलाकृतियाँ इनके ऊपर बनी हुई होती हैं। और ये भी सेम वही से प्रिंटिंग है। ओके, ये भी प्रॉपर इसको हाथ से कांता सब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, हाथ से एम्ब्रॉयडरी है। और ये भी सारा इंडिया मेड प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे सारा कुछ। ठीक है, और उसके बाद रग्स का सेक्शन है, दरी का, जिसमें वुलन है, कॉटन है, जूट, ये सारा जूट दरी है, हैंडमेड सब कुछ, ये राजस्थान के रूरल एरियाज में बनता है। ओके, और पूरा रस्टी अर्दन
कलर जो बोलते हैं, हाँ जी, सारा कुछ कॉन्सेप्ट अर्धन कलर पे रहता है। ये दरी कालीन आई थिंक इसको भी बोला जाता है। ये दरी मतलब ये कॉटन दरी है। ओके, इसमें जूट मिक्स दरी भी, जूट की दरी है, ठीक है, और वुलन दरी का भी साथ में कॉन्सेप्ट है। जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रहेंगे, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट हो, सारा यूनिक रहेगा। यस यस यस, और मार्केट में आपको जो है इजीली नहीं मिलेगा। और ये सारा जो कि दरीज का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने जो है सामने लगाया भी है डमीज में। और इसके बाद कुछ और आपको नेक्स्ट में आइटम्स दिखाता हूँ। कुछ ऊपर भी देखिए, ये सारे प्रोडक्ट जो आपको लाइट्स दिख रहे हैं, ये भी सेल पे हैं लाइट्स। हाँ, ये इसको सब इंडस्ट्रियल लाइट बोलते हैं, बट ये एक्सक्लूसिव भाई, ऐसे सेकंड पीस नहीं बनते। हाँ जी, इस तरीके के प्रोडक्ट हैं ये। इस तरफ भी अपना एक सेकंड आपका मैं डिजाइन दिखा रहा हूँ, ये सारे एक्सक्लूसिव रहेगा। इसमें वुडन आई थिंक दिख रहा है मेरे को, वुडन लगा। और मेटल का फ्यूजन करके कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है। और ये सामने पेंटिंग्स वगैरह जो है, हाँ ये पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं जो आपके बेड के पीछे या वॉल पे, वॉल डेकोर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। पेंटिंग्स भी यहाँ पे रहेंगे। और नेक्स्ट कुछ और चलते हैं। इसके बाद जो सेक्शन है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, हाँ जी, इंडस्ट्रियल लाइट्स बोलते हैं। ये जो वेस्ट होता है, हाँ जी, आप समझे, ये जैसे सिलाई की मशीन से एक स्कूटर बनाया, ये सिलाई मशीन यूज की गई है इसमें, ये सिलाई मशीन है, उसको यूज करके एक स्कूटर बनाया है। ओके, ये ट्रिपफेट बनाया है, उसमें भी लाइट्स लगी है, ये लैंप है एक तरह का। अच्छा, लैंप है ये? यस, ये लैंप है, ठीक है। अलग अलग तरीके का ये, उसको इंडस्ट्रियल लाइटिंग बोलते हैं, ये सारा कुछ लैंप है। ये सारा लैम्प कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन है। ऊपर भी कुछ अलग मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जी। और ये सारा जो है घर में जो है अपना क्राफ्ट के हिसाब से यूज किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। ये पूरा लेदर का सेक्शन है जिसमें आप देखेंगे जी, उसको शिकार चेयर बोलते हैं। ओरिजिनल टाइम में राजा लोग ले जाते थे, हाँ जी, जंगल में, ठीक है। ये इसको ये अपना शिकार चेयर बोलते हैं, शिकार चेयर, शिकारी चेयर, ठीक है। जब आप इस पे बैठेंगे तो आप अपने आप को राजा ही फील करेंगे। ये प्रॉपर कंफर्टेबल जी। और लेदर है ये? यस, ये प्योर लेदर है, ये कैमल लेदर से बना हुआ, कैमल लेदर प्रोडक्ट, और इंडिया मेड रहेगा ये भी। यस, इसमें भी फ्यूजन है, मतलब टेक्सटाइल और लेदर के फ्यूजन वाला भी है, कॉन्सेप्ट भी है, प्लेन भी है जी, ठीक है। और ये फोल्डेबल है, अच्छा, इजी टू यानी कि कैरी, कहीं भी आप अपना टूर वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ भी आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ और हम इसके बाद आपको दिखाते हैं जी। डेकोरेटिव कॉफी टेबल है, ये अपना टेबल्स हैं, कॉफी टेबल्स होते हैं। और ये वुडन है सर सारा? नहीं, ये वुडन नहीं है। अच्छा, ये वर्क है अपना, आई थिंक मार्बल टाइप में कुछ लग रहा है, मिक्स वर्क लग रहा है। यस, और ये आगे वर्क है, उसके बाद ये प्योर वुडन ब्लॉक्स में स्टूल्स हैं जी। उसके बाद ये आपका संगमरमर में, मतलब स्टोन में, हाँ जी, सारी आइटम्स संगमरमर स्टोन्स वगैरह बना देते हैं। डेकोरेटिव आइटम है पर फूल वगैरह के लिए, ठीक है। इसको उर्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? उर्ली, उर्ली, इसको उर्ली बोला जाता है, उर्ली के नाम से ये आइटम रहती है। आपका फ्लावर पेटल्स वगैरह डेकोरेट करने के लिए कुछ पीस में आप अपना डेकोरेट के हिसाब से रख सकते हैं। और वो लास्ट में मेरे को कुछ अपना डिजाइन कुछ अलग दिख रहा है, वो क्या सर? यहाँ पे, हाँ जी, ये वुडन का कुछ, ये वुडन का बॉक्स है, ड्रॉअर आई थिंक, ना ड्रॉअर्स है इसके अंदर। ये आपको साइड टेबल, एज ए साइड टेबल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर ये वुडन के आपके हैंगर्स हैं, ये हैंगर्स रहेंगे, वुडन हैंगर्स अपना, जो टाइल्स डिजाइन में सिंगल, डबल, ट्रिपल जी कहीं पे भी यूज हो सकता है। ये इस टाइप से हैंगर्स रहेंगे। और नेक्स्ट अगर हम थोड़ा लेफ्ट अपना सेक्शन देखते हैं, ये सारे पफीज हैं, ये भी अपना घर में यूज होते हैं अपना होम के हिसाब से। आप में कपड़े में है जी, जीन्स में है जी, डेनिम एंड लेदर में है, मिक्स अपना चार पांच ऑप्शन है। ये सामने अपना बुद्धास वगैरह, मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट इजी टू कैरी, ये अच्छा, इजी टू कैरी, यस, यू कैन अपना आराम से ऊपर से एनीवेयर, यू कैन सेट, पकड़ के भी ले जा सकते हैं इजीली, इस पे बैठिए और कंफर्टेबल रहेगा ये। यस, बहुत कंफर्टेबल, प्रॉपर कंफर्टेबल आइटम्स आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
और नेक्स्ट कुछ और कोशिश करता हूँ आपको मैं डिफरेंट दिखाने की। ये आपके बोतल होल्डर हो गए, बॉटल होल्डर्स बोला जाता है, ये भी देख लेते हैं। यस, बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, बॉटल्स रखने के लिए, ठीक है। और अपना ये, अपना ये प्रोडक्ट है, ये सेंट्स टेबल पीस बोलते हैं इसको। ये कैमल बोन का बनता है, कैमल बोन, इसके ऊपर कैमल बोन क्लेडिंग किया हुआ है। ओके, लगता है हाथी दांत जैसा है, कई जगह लोग ऐसा बोल के भेजते हैं, बट ये कैमल बोन है, कैमल बॉन बोला जाता है इसको। और नेक्स्ट अगर हम सामने वही सेम अपना ट्रेडिशनल अपना स्टैचूज आ जाएंगे सामने, स्टैचूज हैं, फिर फर्नीचर सेक्शन है जी। आपको ये स्टैचूज रहेंगे इस तरह, अपना ये अपना बुद्धास जो होते हैं, ये भी अपना यहाँ पे ट्रेडिशनल में यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं सर इनको, वैसे बुद्धा है, अलग अलग मूर्ति, गणेश जी है, वो एंटिक अपने नारायण है जी, नारायण भगवान सवार है। सामने टेंपल है, आई थिंक वो सामने डिजाइन जो है, सामने राम दरबार बना हुआ है, ठीक है। आगे से हम उसको शूट करेंगे, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी आप अलग से ये एंटिक जो कबर्ड्स हैं वो देख सकते हैं जी। इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये मोस्ट एंटिक कंसोल है, ओके, ये मेटल का है, वुडन में आपके जैसे मंदिर हो गया, हाँ जी, वही कैमल बोन के अगेंस्ट टेबल पीस है, ठीक है। ये हमारा ऑन मैन्युफैक्चरिंग सब चीज फर्नीचर में आता है, फर्नीचर आप ये मतलब अनबिलीवेबल फॉर यू। ये तीन कॉफी टेबल का सेट खाली 4,990 रुपए का है, ओनली 4,990 के अंदर तीन कॉफी टेबल का सेट है पूरा, और बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट भी यूनिक है। और नेक्स्ट वन ये अपना सेम वही दरी वगैरह होंगे, ये फुट फुट मैट वगैरह जो होते हैं, फुट मैट्स हैं जूट की, ठीक है, अर्दन कलर में एकदम, ठीक है सर। कंसोल एंटीक कंसोल्स हैं इधर, ये इस टाइप से आपको इधर एंटीक कंसोल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। आप अगर वुडन चेयर देखना चाहेंगे या ये जो ओरिजिनल पुरानी बाग में रहती थी लेदर चेयर, और ये अपना, और ये अपना लेदर चेयर जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से ये भी वुडन है सर, आपको प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ। और नेक्स्ट कुछ और इनका सेकंड सेक्शन अगर हम ट्राई करते हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला, सामने सेम अपना वही अपना लैंप्स वगैरह वही डिजाइन है, काफी सारे हैं, ठीक है सर। डेकोरेशन यूज होता है, यस यस, ये आप मतलब आपकी इमेजिनेशन पे है, ठीक है। ये जैसे इसको विक्स स्टूल बोलते हैं हमारे में, और विक्स शेप में ये साइड स्टूल है, ओनली 999 स्टूल, ओनली 999 विक्स शेप में ऊपर से आपको दिखता है इस टाइप से, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये बता दीजिए एक बार, ये लैंप्स क्या है, ये भी ये कैंडल स्टैंड्स हैं आपके साइड पे कहीं पे भी कॉर्नर में, हाँ जी, बंगलोज को रोशन करने के लिए। ये कैंडल स्टैंड बीच में कैंडल लगता है इसमें, यस, बीच में कैंडल लगता है पूरा, ऊपर जो है अपना ग्लास का, और नीचे आई थिंक नीचे ये अलग वुडन है अपना, नीचे वुडन रहेगा, नीचे वुडन है। सारा क्राफ्ट आइटम आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉटल वगैरह ऊपर सर, ये क्या है जी सर, नेक्स्ट क्या है इसके बाद बताने वाले हैं। ये सब मार्बल के छोटे छोटे बड़े सब साइज के पीसेस हैं, ये सब डेकोर में यूज होता है, डेकोर होम में, डेकोर में प्राइस रेंज में मार्बल का पीस मिलेगा डेकोर के लिए। और ये सामने मार्बल के फ्लावर पॉट है, वेल डेकोरेटेड, फ्लावर्स वगैरह लगाने के लिए, यस, ठीक है। इसके बाद इनका हम जो सेकंड सेक्शन एक बार वो हम ट्राई करते हैं प्रॉपर ओवरऑल आपको व्यू जो फर्स्ट सेक्शन का मैंने लास्ट में एक बार दिखा दिया है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ये लास्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आइए एक बार इनका सेकंड सेक्शन हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको यूनिक मिलते हैं, आइए। जी सर, जो नेक्स्ट अपना सेकंड सेक्शन है, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं आपके? ये सेकंड सेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल वुडन का कंसोल है, इसके ऊपर ये सारा जर्मन सिल्वर का प्रोडक्ट लगा हुआ है, जिसमें एंटिक है, और आपके बाउल्स हैं, हाँ जी, एंटिक क्लच है, ठीक है, एंटिक आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, सारा एंटिक प्रोडक्ट्स तो रहते हैं, वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। और एक जर्मन सिल्वर है, ये सारा जर्मन सिल्वर बोला जाता है इनको, जैसे ब्यूटीफुल क्लच फॉर ब्यूटीफुल लेडीज, फॉर लेडीज, काफी लेडीज ऐसा आइटम्स जो हैं सर्च करते हैं मार्केट में, तो वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस तरीके का बढ़िया डेकोरेटिव जी
ये देखिए इस टाइप से बॉक्स की बॉक्स पीस वगैरह लगाने के लिए, और ये ऊपर अपना सेम अपना फेसेस उदास मिलेंगे। अगर देखेंगे तो ये फेस है जी, नेपाली फेस बोलते हैं इसको, ये स्टोन क्लेडिंग का काम किया हुआ है यहाँ पे। स्टोन क्लेडिंग? यस, स्टोन क्लेडिंग। ओके, छोटे छोटे जो स्टोन पीस हैं, हाँ जी, उसकी क्लेडिंग से ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, रत्न बोलते हैं, नग बोलते हैं। ओके, उससे ये प्लेन बुद्धा का फेस है, फिर ऊपर ये सब डिफरेंट डिफरेंट सारा ट्रेडिशनल जो अपना क्राफ्ट अपना होता है वो आपको दिखा रहे हैं। सामने ये भी डेकोरेट रहेगा? सामने ये सारा वॉल डेको है। वॉल डेको, हाँ। ये मेटल का है सर, आई थिंक मेटल 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 वॉल डेको है। ये सारे कंटेम्प्रेरी लुक में सब कुछ है। ये आप एकदम बहुत बढ़िया चीज आप देख रहे हैं, ये है सिंगल पीस स्टोन में बना हुआ गणेश जी की मूर्ति। स्टोन में है? यस, ये स्टोन में है। ठीक है, मेटल का श्री यंत्र है, श्री यंत्र मेटल में। हाँ, ये नेपाली श्री यंत्र बोलते हैं जिसको काफी लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करते हैं। ओके, और ये अगेन मार्बल का पॉट है, मार्बल के लिए यूज करते हैं। और ये नीचे टेबल आई थिंक, ये इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए कंसोल यूज कर सकते हैं, एज ए रिसेप्शन टेबल यूज कर सकते हैं, एज ए बार यूज कर सकते हैं। ओके, ये एकदम यूनिक, बिल्कुल यूनिक डिजाइनर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको हम। जी, नेक्स्ट वन क्या आएगा सर इसके बाद? नेक्स्ट इसी को लगता हुआ जो प्रोडक्ट है, जैसे ये ट्रैक्टर, हाँ जी, मैं दिख रहा है आपको, ये भी सर्विंग टेबल में यूज हो सकता है, बार में यूज हो सकता है। ओके, आप इसको किसी भी डेकोर में, फार्म हाउस पे या बंगलो के बाहर या बंगलो के अंदर कैसे भी यूज कर सकते हैं। नीचे सामान वगैरह रखने के लिए इसमें जो है जगह काफी नीचे है, नीचे आपके सारे वेल डेकोर इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ बॉक्सेस है, हाँ जी, सब साइजेस में अवेलेबल है इसमें। आप ये आपको आप अपने पैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी आइटम छोटे से लेके काफी बड़े बड़े तक। ओके, आपको एम्ब्रॉयडरी के बॉक्सेस मिलेंगे, हाँ जी, आपको हर साइजेस अवेलेबल है। बॉक्सेस गिफ्ट पैक्स वगैरह बनाने के लिए, आपको पैक वगैरह बनाने के लिए या गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट तो ऊपर इसके प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर ये वुड के डेकोरेटिव पीस है, फिर ये एक तरह का संदूक जो एंटीक बॉक्स जो संदूक बोला जाता है, ये ज्वेलरी बॉक्स, हाँ जी, भी आप यूज कर सकते हैं गिफ्टिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और या कुछ रखने के लिए या टेबल पीस के तौर पे, हाँ जी। फिर एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में ये पूरा मेटल का शतरंज बना हुआ है, शतरंज सारे एंटिक हाथी घोड़े सब कुछ, बिल्कुल अलग चीज है, मेटल का सारा प्रोडक्ट बना है जी, शतरंज हम जिसे इसका जो है वो भी सिल्वर प्लेटेड इसका बॉक्स है, जो इसका बॉक्स रहता है जिसपे ये खेला जाता है। और इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो प्लेयर्स सारे जो हैं इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, प्रॉपर मेटल के बनाए गए हैं, ये देखिए इस टाइप से। और ये ऐसे यहाँ पर जो है इस पर हम खेलते हैं, और बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट में इसके बाद एक और प्रोडक्ट्स कुछ चेंज आपको दिखाएंगे, ये ऊपर आई थिंक कुछ डिफरेंट ही है, बताइए सर इसके बारे में। ये फ्लावर पॉट है, सारे ग्लास में है। ओके, ये आपको मेटल जैसा लुक है बट ये ग्लास में है, बहुत एंटिक हैंडमेड है ये। ऊपर क्या इस पे कुछ बनाया है कि मतलब अलग नहीं, ये हाथ से इसको क्लेडिंग किया हुआ है। ओके, इसलिए वो लुक जरा स्ट्रेंथ वाला मेटल का लुक आता है इसका, काफी चमकता हुआ इसके ऊपर, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है। उसके बाद नीचे कैंडल स्टैंड्स हैं, सारे कैंडल स्टैंड साइज के हिसाब से, मेटल के साथ डेकोरेटिव बाउल्स हैं। ठीक है, आपका पूरा मेटल का हैवी मेटल का SSN गोल्डन बेस में सारे टेबल पीस हैं, ट्रेस ट्रेस सर्विंग ट्रेस हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ये अपना, ये सारा कैंडल स्टैंड का कलेक्शन है, ये भी सेम कैंडल स्टैंड प्रोडक्ट, वुड ग्लास मेटल अलग अलग, ये देखिए इस टाइप से अलग अलग कॉन्सेप्ट में, अलग अलग मेटल स्टैंड में है, कुछ वुडन स्टैंड्स में है। ठीक है, और ऐसे सेम लास्ट में भी सेम कैंडल स्टैंड्स ही हैं अलग अलग डिजाइन में, छोटे कैंडल स्टैंड हैं, छोटे ये फ्लावर पॉट है मार्बल में। ठीक है, फिर ये आपका वुड में टेबल पीस हैं, डेकोरेटिव बॉक्सेस गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये पूरा वुडन का पेंटेड हैंड पेंटेड ट्रे सेट्स वगैरह हैं जो डोमेस्टिक में काफी यूज होता है, काफी गिफ्टिंग में यूज, सारे वुडन के अलग अलग है। हाँ, प्योर वुड है, तो ये सारा मार्बल है, कार्विंग किया हुआ, हैंड क्राफ्टेड मार्बल, ये मार्बल प्रोडक्ट आएंगे हैंडक्राफ्टेड। ठीक है, इसकी भी सारी रेंज अवेलेबल है जी। और ऊपर आप अगर देखेंगे तो वापस वो लैंप की सीरीज है, प्लस ये
वॉल डेकोर है। ये सारा हम जो सर प्रोडक्ट सिखा रहे हैं ये अपना और भी नए नए इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं आपके? हाँ, ये सारा कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होते हैं, एक जाता है तो फिर दूसरा कुछ नए आता है। ठीक है, तो ऐसे रिपीटेशन नहीं है, बहुत सारे डिजाइन, कुछ और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या सर? ये वापस एक नया कॉन्सेप्ट है, ये बार है। ठीक है, विद ट्रैक्टर, ये प्रॉपर आप यूज देख सकते हैं, जैसे ये वाइन ग्लास बने हुए, ये भी एकदम यूनिक है। ये अपना होम बेस्ड बार इसको बोल सकते हैं, होम वगैरह में यूज करने के लिए। ये बोतल कट करके ही वाइन ग्लास बनाया हुआ है। अच्छा, ये बोतल से ही डिजाइन हुआ है, से ही वाइन ग्लास बना है। ठीक है, ये बार है, पूरा बार सेटअप है। ये जैसे बोतल कट करके आपको सर्विंग प्लेट बना दी गई है। अच्छा, कट करके सर्विंग प्लेट बनाई है। और एक बार हम आप देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट सारे अपना क्लोजअप करके और नीचे से इसमें ओपन करके नीचे बोतल रैक है, बॉटल्स वगैरह रखनी हो अब यहाँ से शूट कर सकते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ, और ये बोतल रैक्स हैं। नेक्स्ट बार सेक्शन है ये? हाँ, ये पूरा बार सेक्शन है, ये नीचे बोतल रैक है। ठीक है, ये ग्लासेस या बोतल और सर्व करने के लिए यहाँ पे ग्लास रख सकते हैं, यहाँ पे वाइन ग्लास रख सकते हैं, इसके अलावा एड ऑन कुछ भी है वो ऊपर रख सकते हैं। ये बार ग्लास वगैरह रखने के लिए प्रॉपर अपना, यानी कि घर में अपना बार अगर कुछ अपना बनाना हो तो उसके हिसाब से पूरा रेडी टू मेड आपको प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या रख सकते हैं यहाँ पे? ये साइड टेबल है। ठीक है, साइड टेबल और पॉट रहेगा, ये पॉट और साइड टेबल। और इस तरफ भी सेम अपना सेम वॉल के जो डिजाइन है, वॉल डेकोर है। ये आपके वुडन के वॉल पीस है, ये इंडोनेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर सामने मिरर्स वगैरह, ये महारानी मिरर्स हैं जर्मन सिल्वर में। ठीक है, आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इसको रख के एज ए पद्मावती अपने आप को फील कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो इजीली आपको हर स्टोर पे नहीं मिलते हैं। और नेक्स्ट अपना ये भी, अपना ये भी सब डेकोर है, जैसे बहुत बढ़िया चांदी की सिल्वर प्लेटेड, ये जर्मन सिल्वर की पालकी है, हाथी है, ये हाथी है, ब्रास में दिए हैं, फिर भगवान कृष्ण की गाय के साथ बहुत सुंदर सिंगल स्टोन में मूर्ति है। ठीक है, ये सारा ये जो है डिजाइन पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये बोतल बॉक्स है, बोतल बॉक्स, किसी को भी बोतल गिफ्ट करना है तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया। सारा इसके ऊपर अपना पेंट है, आई थिंक। यस यस, ये हैंड पेंटेड है, ये मुगल पेंटिंग है इसके ऊपर, ये राजस्थानी पेंटिंग है जी। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा मुगल पेंट है, ये प्रॉपर मुगल पेंट जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, सारा हैंडमेड है ये, और ये प्रोडक्ट पूरा अलग है, ये केमल बोन का क्लेडिंग किया हुआ है। पेंटिंग तो हैंड पेंटिंग है, पेंटिंग भी केमल बोन पे किया हुआ है, खाली वुड नहीं है, ये वुड है। अच्छा, ये वुड है, वो केमल बोन है, ये केमल बोन है। ठीक है सर, और नेक्स्ट नीचे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे सारे लैंप हैं, ये नीचे लैंप्स वगैरह के डिजाइन हैं, कुछ ट्रेज हैं जो मेटल और वुडन के फ्यूजन है। हाँ जी, कुछ ये टाइल्स डिजाइन में ट्रे है वुड की। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है सर, ये एंटिक मसाला डब्बियां हैं। ठीक है, ये दो तीन चार पांच अलग अलग सेक्शन में, फिर ये वुड में बॉक्स है, ये बॉक्स काफी डिफरेंट बॉक्सेस के डिजाइन। और नेक्स्ट थोड़ा सा लेफ्ट सेक्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं, और नेक्स्ट प्रोडक्ट हम क्या दिखा रहे हैं सर? ये महारानी मिरर है, ये पूरा केमल बोन का क्लेडिंग किया हुआ है, बीच में मिरर है जो आपको एकदम रॉयल फील देगा। ये इस टाइप से प्रॉपर आपको मिरर का भी यहाँ पे जो क्राफ्ट मिलेगा। ठीक है सर, और नेक्स्ट थोड़ा लेफ्ट सेक्शन हम एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे नटराज है, नटराज की, और आप देखेंगे तो मतलब हर तरीके का, हर साइज में, हर वैरायटी में एकदम एक्सक्लूसिव जो मूर्तियां हैं, जो मतलब ये जो गाय है ये कहीं भी आपको इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, सारा टोटली क्राफ्ट और ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ। ये जैसे नवग्रह का पूरा बना हुआ है स्वास्तिक के बीच में। ठीक है, ये जैसे उर्ली में राधा कृष्ण, मतलब आप अगर इमेजिन करें इसमें पानी और गुलाब की पत्तियों के बीच में राधा कृष्ण जी झूल रहे हैं, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नायाब जो है अपना डिजाइन। और ऐसे काफी सारे और भी स्टेचूस यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट ये कुछ डिफरेंट, ये देखिए ये अलग अपना इस पे प्लेटिंग, आई थिंक कुछ सिल्वर प्लेटेड है पूरा। ठीक है, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी,
ये इस टाइप से अपना डिफरेंट टाइप का इसके ऊपर जो है अपना मेटल पेंट जो रहेगा, और बाकी सारे अलग अलग काफ़ी जो है स्टैचूज के यहाँ पे डिज़ाइन हैं, बुद्धाज हैं। एक बार आइए यहाँ पे आके विजिट कीजिए और ख़ुद अपना जो है फील कीजिए क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या डिज़ाइंस हैं, और बहुत सारे क्राफ्ट के डिज़ाइन सामने कुछ अलग अलग है मेरे को यहाँ पे। सामने एंटीक वुडन के वॉल पीस हैं, साइड पीस हैं, ये अपना वुडन के रहेंगे ये भी सारे। ये आपको देख के बहुत पुराना 50 साल पुराना ये याद आएगा, ये टेबल पीस, ये पूरा टाइल्स में बने हुए टेबल है, साइड टेबल्स और टाइल्स में सर। हाँ ये टाइल्स है, ये स्टोन टाइल्स है जो बीच में जो पेंट किया हुआ है जी, ये स्टोन टाइल्स है। ठीक है, और ये भी सारा डिजाइन्स। ये एक ब्यूटीफुल कंसोल है, एकदम न्यू डिजाइन में। कंसोल के ऊपर ये राधा कृष्ण जी हैं, दिया है, ये इस टाइप से कंसोल का डिज़ाइन, और यहाँ पे सारा ये भी अपना क्राफ्ट स्टेचूज। और सामने एक और आइटम मुझे कुछ अलग दिख रही है, ये सिल्वर में हुक्का है, ये भी डेकोर हुक्का घर में सजाने के लिए जो शौक रखते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे डिज़ाइन। वो सामने कुछ घूमता हुआ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जी, वो घड़ी वॉच है, वो घड़ी है क्लॉक। और ये देखिए इस टाइप से, ये भी कुछ यूनिक है देखिए आपके लिए। बाकी टोटली डिज़ाइनर अपना यहाँ पे क्राफ्ट आपको मिलता है। ठीक है, इधर भी स्टैचू सारे आएंगे। ये सारा सेक्शन स्टैचूज का है जिसमें मार्बल है, मेटल है, मेटल के साथ स्टोन वर्क है। ठीक है, फिर ये प्रीसियस स्टोन के गणेश जी हैं। ठीक है, जो अपन नंग अंगूठी वगैरह में यूज करते हैं, हाँ जी, वो सब प्रीसियस स्टोन का सिंगल पीस काम किया हुआ है जिसमें सब साइजेज अवेलेबल है। ठीक है, और ये सारा आपका जो है क्राफ्ट से जुड़ा हुआ। और सामने जो आई थिंक शोकेस वगैरह में लगे हैं, एक बार वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जी। सर ये सामने अपना जो है इसमें ये क्या प्रोडक्ट है? सामने ये पूरा राम दरबार सजा हुआ है मेटल का, भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का पूरा सेट है ये। इस टाइप से प्रॉपर राम दरबार, और इसमें सारे आपको जो है मूर्तियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया यूनिक प्रोडक्ट है जो जिसको मेडिटेशन बाउल बोलते हैं, बुद्धा बाउल, ये मेडिटेशन बाउल। वॉइस इसका सराउंड हो रहा है ना, घूम रहा है चारों तरफ। ये कब तक वॉइस रहता है जब तक ये टच रहेगा? ये मेडिटेशन के लिए यूज होता है और सब साइजेस में अवेलेबल है। साइजेस भी सारे मिलते हैं, साइजेस सारे, ये छोटे से लेके बड़े तक सब साइजेस, सबसे छोटा साइज ये, सबसे बड़ा साइज ये। एक बार उसको भी थोड़ा सा आप एक बार ट्राई कर सकते हैं वहाँ से। मेडिटेशन बाउल, मेडिटेशन बाउल। ठीक है, यूनिक टाइप के जो अपना क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, साउथ इंडियन, नेपाली, अलग अलग जगह से आए हुए प्रोडक्ट हैं ये। आप अगर देखेंगे तो बड़े ब्यूटीफुल और बड़े यूनिक मेटल के प्रोडक्ट हैं ये। देखिए सारा टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का टेस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये उर्ली अगर आप देखेंगे ये अपने तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल, ये काफ़ी आई थिंक पीतल वगैरह का होगा, ये पूरा पीतल। अच्छा, पीतल मेटल, एंटीक पीतल है पूरा, सारा एंटीक पीतल के अंदर रहेगा डिज़ाइन ये। ठीक है, लैम्प है जो सब साइज में अवेलेबल रहेंगे, लैम्प, डेकोर लैम्प। ठीक है, आप इसको लैम्प पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी, इसको एज ए कैंडल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एकदम नया कॉन्सेप्ट है बार स्टूल का, बार स्टूल, यस दिस इज बार स्टूल। ओके, जो आप फुट रेस्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, अलग तरीके का बार स्टूल। फिर पीछे ये इंडोनेशियन वुड क्राफ्ट लगा हुआ है, ये जैसे कि स्टूल्स आपको भी मैंने दिखाए थे, ये स्टूल्स नहीं, ये दरी है, ये पेंटेड हैंड ब्लॉक पेंट दरीज हैं। नेक्स्ट दरीज आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसमें सब तरीके के प्रोडक्ट हैं, आपको दरी की सब साइज मिलेगी। ठीक है, 2x4 से लेके 8x
और ये बैग आई थिंक जूट वगैरह जूट बैग है, मैं पूरा सेक्शन है इसका बताऊंगा आपको पर ठीक है। काफी सारे प्रोडक्ट हैं इसमें, यहाँ से भी अगर देखेंगे आप तो छोटी छोटी काफी अलग अलग आइटम्स यहाँ पर हैं जो एक बार आप विजिट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आता है। और ये देखिए इस टाइप से स्टैचूज वगैरह थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये इस टाइप से सारा स्टैचूज का डिजाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे, काफी सारे स्टैचूज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हैंड पेंटेड नगाड़ा है जो बजता भी है, ठीक है, डेकोर में भी यूज कर सकते हैं, मंदिर में भी यूज कर सकते हैं। ये पूरा रासलीला भगवान श्री कृष्ण का बना हुआ है, ये प्रॉपर रासलीला और ये यूज भी होता है और डेकोर में भी चल जाएगा, दोनों में आप इसको यूज कर पाएंगे। बाकी सारा ये स्टैचूज का डिजाइन यहाँ पे आपका सारा, और ये जो टेबल है ये भी सिंगल स्लैब वुड से बना हुआ है, ये जो टेबल पूरा आपको दिख रहा है ये भी फॉर सेल, ये भी सेलिंग के पर्पस से यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, काफी सारे बैग की वैरायटी है। हाँ जी, नेक्स्ट बैग्स काफी सारे हैंडमेड लेदर और जूट के कॉम्बिनेशन में, डेनिम के कॉम्बिनेशन में काफी सारे बैग हैं, अलग अलग मटेरियल में है। हाँ, अलग अलग मटेरियल में आपको ये देखिए बैग्स इस टाइप से आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ये जिम बैग हो गया। हाँ जी, जिम बैग्स हैं अलग अलग टाइप के जो अपना रेगुलर यूज में आइटम्स आती हैं। हाँ। सारी आइटम्स आपको रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। और ये इस तरफ अपना कुछ अलग लग रहा है मेरे को, ये सारी चौकियाँ हैं, चौकी वॉल चौकी से लेके, हाँ जी, और हैवी मेटल की एंटिक चौकी तक, ये आई थिंक मंदिर वगैरह में। हाँ, मंदिर में, खाने में, काफी सारी जगह पे यूज होती है और सब डिफरेंट साइज की, मतलब 6x6 की चौकी से लेके आपको 24x24 की चौकी मिलेगी आपको, ठीक है, और वेडिंग पर्पस और ऑल हर एक में इवेंट्स वगैरह में, वो हेक्सागन बता, ये जैसे स्क्वायर चौकी आपने देखी होगी, बाकी आप जी, और ये जैसे आप हेक्सागन थाल भोजन थाल बोल सकते हैं, मंदिर या किसी भी डेकोर के लिए कॉर्नर पे, ठीक है, पूरा मेटल क्लेडिंग है, 56 भोग आई थिंक सब होता है, पूरा पीतल में बना हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट अपना जो फर्स्ट बिल्कुल एंट्री होती है यहाँ पे रिसेप्शन, जैसे कि अपना सामने सॉरी काउंटर है अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या अपना सेक्शन में रहता है, ये ऑर्गेनिक आपके एरोमा ऑयल है, ओके, एसेंस है, फ्रेग्रेंसेस है जी, अपने सोप है, हाँ जी, फिर परफ्यूम फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स हैं, कैंडल्स, ये पूरा जो कुछ भी है वो ऑर्गेनिक है, हाँ जी, कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं होता है, और इसमें हर तरीके की अगरबत्ती भी, ये सारी अगरबत्ती अवेलेबल है, और ये बहुत 1930 से ये ब्रांड काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सेलेक्टिव उसी के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जो अतर है, ये अतर वगैरह भी है यहाँ पे, जो यूनिक है, इवन आपका रूम फ्रेशनर भी सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक रूम फ्रेशनर तक यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और अलग अलग और एकदम यूनिक वैरायटी है, फ्रेग्रेंसेस की भी वैरायटी आप जब फील करेंगे तो वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये सारा बिल्कुल इनका सेपरेट पार्ट यहाँ पे रहेगा, और इसमें सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अपना एड ऑन रहेंगे। नेक्स्ट कुछ और आपको डिफरेंट दिखाता हूँ, और अपना फ्रेग्रेंस वगैरह प्रोडक्ट्स इसके बाद क्या ये नेक्स्ट आइटम है, सबसे पहले बहुत ब्यूटीफुल टेबल है, हाँ जी, हैंड वुडन का, उसके ऊपर ये आपके उगली के साथ गणेश जी हैं, हाँ जी, ये बड़ी यूनिक मूर्ति है, उसके बाद ये एंटीक उगली है, ठीक है, कलर में, उसके बाद अगर सेक्शन देखेंगे तो ये वुड का एफर्टिव स्टूल्स, ये आउटसाइड या घर के अंदर बैठने के लिए पूरा सेंटर टेबल के साथ मेटल के स्टूल्स का सेट है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वॉल डेकोर लगे हुए हैं, ये वॉल डेकोर बीच में मिरर वगैरह भी इसमें लगा हुआ ना, मिरर के साथ भी वॉल डेकोर है, विदाउट मिरर भी वॉल डेकोर है, ठीक है, अगेन ये श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र है ये, ठीक है, उसके बाद आप वॉल डेकोर की पूरी रेंज है, ये वुड में आप देखेंगे सारा तो राम दरबार बना हुआ है, ये सेम राम दरबार वुडन में है पूरा, वहाँ पूरा सिंगल वुड में बना हुआ है, और ये सेंटर में जो मेरे को ये स्टैचू, ये सिंगल स्टोन में विष्णु जी की प्रतिमा बनी हुई है, आप विष्णु के जितने भी अवतार हैं विष्णु भगवान के, वो सब नीचे
दर्शाए गए सारे के सारे उसमें अपना स्टोन में कार्विंग किया हुआ है। यह ब्लैक स्टोन ब्लैक मार्बल में आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत उर्ली है। ब्लैक मार्बल ठीक है। अगर आप जरा पीछे आएंगे हाँ जी तो ये एंटीक लुक में कंसोल है। ये अपना एंटीक लुक रहेगा प्रॉपर कंसोल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एंटीक ही है एंटीक लुक नहीं है एंटीक कंसोल है ठीक है। उसके बाद आप ये विष्णु अवतार विष्णु और लक्ष्मी जी की सिंगल स्टोन की मूर्ति है ब्लैक स्टोन में हाँ जी। देन अगेन वॉल डेकोर है अलग अलग तरीके की टेबल सेट्स हैं। ये अपना जो अपना सारा डिफरेंट टाइप का टेस्ट आपको एक बार में दिखा देता हूँ जी। नेक्स्ट अपना सारा ये भी अपना डिजाइनर है सब चीज डिजाइनर प्रोडक्ट्स हैं। ये मेटल के सेट्स हैं ठीक है मार्बल में है। ये आपके फ्लोर पॉट हैं सारे मेटल में फ्लोर पॉट की पूरी रेंज लगी हुई है ठीक है। मेटल में है ये अगेन टेबल स्टूल और सिटिंग और पेंटेड टेबल का सेट है। ये सारा पेंट है ऊपर क्या है एनग्रेविंग करके पेंट भरा जाता है अंदर पेंट नहीं किया हुआ अच्छा अंदर भरा जाता है इसके और इसके ऊपर भी ये चौसर बिछाई गई है ठीक है। सिल्वर प्लेटेड के ऊपर पूरा ये आपका शतरंज शतरंज इसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट सामने जो है अपना ये भी वॉरियर गणेश है। ये मूर्ति आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी एंटीक वॉरियर गणेशा के नाम से कह रहे हैं वॉरियर गणेशा। ये आपके गुड़ में दोनों साइड गणेश जी की दोनों साइड हाथी विराजमान है। ये आपको सिल्वर कलश सिल्वर में जो श्रीफल वगैरह के लिए रखना होता है कलश बोलते हैं ना सर उसको कलश बोलते हैं ठीक है। ये वुड में सिंगल कार्विंग में गणेश जी हैं। ये भी वुड में बने हुए पूरे जी वुड में है। ये एंटीक कंसोल है इसके साइड में ये सारे जर्मन सिल्वर के प्रोडक्ट हैं ठीक है। ये भी साउथ का प्रोडक्ट है। ये पूरा ब्लैक वुड में ब्लैक वुड सिंगल वुड में पूरा गणेश जी का जो है इसमें कलाकृति बनी हुई है जी ठीक है। आपको काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिलेगी उसमें से एक ये प्रोडक्ट है ये एंटीक केटल है केटल एंटीक केटल जो डेकोर के लिए नेपाली प्रोडक्ट है। आप देखेंगे तो ड्रैगन बने हुए हैं ठीक है। और ये पीछे कैसा ये अपना फैब्रिक वगैरह हैंडपिक स्टॉल्स हैं स्टॉल्स बेहतरीन डिजाइन के अलग अलग डिजाइनर द्वारा जो डिजाइन किए गए स्टॉल्स हैं अलग अलग तरीके के ठीक है। आपके लुक को और बढ़ा सकते हैं ठीक है। और ये क्या प्रोडक्ट है ये बड़ा पॉट है जो फार्म हाउस पे या बड़े बंगलोज में एज ए डेको यूज होता है। ये मेटल ही है मिक्स मेटल तांबा और पीतल का मिक्स है। मिक्स मेटल का पॉट काफी बड़ा मतलब लोग पहले के जमाने में इसमें वो केसू कलर वगैरह भर के रखा जाता था हाँ जी उसके लिए यूज होता था ठीक है। अभी ये डेकोर पर्पज से यूज होता है जी। और अब यहाँ आएंगे तो ये ब्लैक गणेशा देखने को मिलेगा ठीक है। ये पूरा मार्बल का जिसमें कृष्ण की रासलीला बनी हुई है हैंड पेंटेड। ये कृष्ण जी की रासलीला प्रॉपर डिजाइन रहेगा ये भी। ये हमारे लड्डू गणेश जी हैं लड्डू गणेश जी की प्रतिमा ये देखिए इस साइड से। और ये नीचे भी लैंप्स वगैरह हैं लास्ट में और नीचे ये सारे लैंप्स हैं। ये भी लैंप्स के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस और ऊपर अपना एक बार फिर गणेश जी की प्रॉपर स्टैचू यहाँ पे बना हुआ आपको मिलेगा ठीक है। और जैसे ये दो जैसे कि यहाँ पे अपना क्राफ्ट में देख रहा हूँ ये भी अपना गेट पे दोनों साइड लगे हैं क्या आइटम्स होते हैं सर ये वेलकम पुराने जमाने में इनको घर के दरवाजे के साथ पे लगाया जाता था वेलकम करने के लिए ठीक है। ये उसी में यूज होता है ये वेलकम ये अपना दोनों तरफ लगा होता है गेट पे दोनों तरफ लगा होता है ये दोनों तरफ लगाने के लिए जैसे कि लेफ्ट राइट और अपना वेलकमिंग के लिए जो है स्पेशली जो है लगाया जाता है। और इसके बाद कुछ और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नेक्स्ट ये एंटीक बॉक्स है उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये एकदम एक्सक्लूसिव एंटीक डांसिंग गणेशा बोलते हैं इसको शेषनाग के साथ डांसिंग गणेशा मूर्ति रहेगी यहाँ पे ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी ठीक है। उसके बाद ये डेकोरेटिव गोल्डन गणेशा है पीतल का आई थिंक आगे सारा पीतल ये भी पीतल है बट अलग अलग हैं ठीक है। और नेक्स्ट कुछ और ये एंटीक यंत्र हैं एंटीक यंत्र टाइप जो है डेकोरेट के लिए ठीक है।
और नेक्स्ट अगर हम यहाँ फ्रंट में लेते हैं तो जी जैसे ये तीन पीस कॉफी टेबल का सेट है, ठीक है, दिस इज ऑल ओनली 7999 कॉस्ट के अराउंड फॉर थ्री डिफरेंट टेबल्स कॉफी टेबल्स के पर्पज से यूज होते हैं। और सामने जो है ये लाफिंग वुडन में लाफिंग बुद्धा है, ये देखिए लाफिंग बुद्धा वुडन के अंदर रहेगा ये डिजाइन, ये भी क्राफ्ट पास में मेटल के बुद्धा है जो ग्रीन कलर में है, डिजाइन ये भी डिफरेंट रहेगा पीतल में ही है ये भी, ठीक है। बाकी ऐसे क्राफ्ट की और हजारों जो है काफ़ी वैराइटीज और भी होती हैं यहाँ पे कुछ, और लास्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये आप पूरा बुद्धा देखेंगे, ये भी पीतल का है। और नेक्स्ट जो है ये प्रॉपर पीतल के अंदर मेटल पीतल जो रहेगा, और इसका वेट कितना बताया आपने? अप्रोक्स 100 किलो 100 किलो के अप्रोक्स इसका वेट रहेगा। और ये प्रॉपर नीचे सिटिंग की पोजीशन में आपको मिलता है, ठीक है, और ये भी आप मतलब अपने बंगलोज फार्म हाउस में लगा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जी। और नेक्स्ट बालाजी हैं, बालाजी भगवान सिंगल स्टोन में ब्लैक स्टोन में लॉर्ड बालाजी को लेकर आपको केमल बोन, ठीक है। और ये भी कंसोल है, ड्रॉर कंसोल है, अलग अलग ड्रॉर्स होते हैं, केमल बोन में बोला आपने, ये एंटीक कंसोल है जिसके ऊपर केमल बोन का क्लीडिंग किया हुआ है, क्लीडिंग किया हुआ है इसके ऊपर भी। बाकी ऐसे और छोटे छोटे बहुत क्राफ्ट के अपना प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ऊपर देखेंगे तो ये सारे लैंप्स हैं, ये एक्सक्लूसिव लैंप्स ये फॉर सेल हैं। ऊपर आपको मैं लैंप्स की भी यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और ये देखिए इस टाइप से लैंप्स के भी आपको डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और ये भी अपना वॉल लैम्प पर्पज़ से जो है लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। और इस तरफ सामने ये क्लॉक है आई थिंक सर, ये भी डिज़ाइनर जो है क्लॉक स्टाइल रहेगा, और इस टाइप से जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ ये इसका जो है डिज़ाइन मिलेगा, जम्बू जो प्लेन होते हैं उस टाइप से इसका फ्रंट डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है। और ओवरऑल स्टोर जैसे कि अपना बैकग्राउंड में है, और यहाँ पे अपना एक सर है यहाँ पे भैया जैसे कि यहाँ पे स्टोर पे अपना देखने आए हैं, अनुभव करने आए हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कैसे कैसे, थोड़ा सा अपना सर नाम बता सकते हैं अपना नाम? मेरा नाम संजीव अरोरा है, मैं पानीपत में बेडशीट मैन्युफैक्चरर हूँ। ओके। और लगभग पिछले 35 साल से बिजनेस में हूँ। ठीक है। तो परवीन जी से मेरे काफी पुराने रिलेशन है, तो मैं यहाँ सूरत में अपने ऑर्डर बुकिंग के लिए आता हूँ। हाँ जी। तो काफी अच्छे स्टोर से मेरा प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है। तो परवीन जी ने मेरे को बताया कि मैंने एक स्टोर बनाया और आके विजिट करो। हाँ जी। आया ही मैंने प्रोडक्ट देखे हैं, तो परवीन जी ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे ला के रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि वाकई पानीपत में भी देखने को नहीं मिलते ये। मैं सूरत के अच्छे स्टोर्स में विजिट करता हूँ। हाँ जी। जो अच्छे अच्छे हैंडलूम स्टोर्स हैं सब पे जाता हूँ ऑर्डर्स बुकिंग के लिए और देखने के लिए, ठीक है। तो वाकई मैं आज यहाँ पे आया तो जो रेंज परवीन जी ने यहाँ पे रखी हुई है वाकई मैंने आज तक सूरत में कहीं किसी स्टोर में नहीं देखी, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बोले यहाँ पे गुजरात में मैं सूरत बड़ौदा अहमदाबाद राजकोट सब विजिट करता हूँ, ठीक है, वाकई ऐसा स्टोर मैंने कहीं नहीं देखा। तो आप कलेक्शंस ये लेके आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल नई कलेक्शंस है, लोग इन चीजों को ढूंढते हैं, इन्होंने एक स्टेप पे ये सब कुछ कलेक्ट कर लिया अंडर वन रूफ सारा, अंडर वन रूफ यहाँ पे जो है इन्होंने इनको हर तरह के एंटीक्स ड्राइंग रूम के लिए लॉबीज के लिए लॉन के लिए जी रूम्स के लिए ठीक है काफी कुछ ये रेंज लेके आए यहाँ पर और वाकई देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, तो थोड़ा सा मेरे को अब जैसे कि वीडियोस काफी लोग आपको देख रहे हैं तो उनको आप थोड़ा सा बताना चाहें अगर कोई सूरत विजिट करे कुछ भी पर्पस से तो यहाँ पर वो आए तो उसको क्या यानी कि कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे? बस बिल्कुल ये चीज सर, हम लोग मैक्सिमम लोग जो फॉरेन से यहाँ पे आते हैं वो आके इंडिया में ये एंटीक चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जी, और ये आपको एक वन रूफ में आपको ये सब कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है, आपको मेटल में चाहिए वुडन में चाहिए स्टोन में चाहिए हैंडीक्राफ्ट में चाहिए, ठीक है, तो हर चीज आपको इनके स्टोर पे अवेलेबल है, तो अपना इजीली यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। इस तरीके से सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर किया, मुझे भी काफी अच्छा लगा और काफी अच्छा लगा सर, आपने अच्छे तरीके से अपने नॉलेज दिया और थैंक यू वेरी मच चैनल पे आपको बताने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मच।